हेलो गाइस, सुनीता शुक्ला किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ चना दाल राइस फर्री। तो चलिए चलकर बनाना हम इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने चना दाल को मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसे मैंने वॉश कर लिया है, अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। देखिए, मैंने जार ले लिया है मिक्सी का, इसमें हम चना की दाल को ले लेंगे। ये मैंने 250 ग्राम चना की दाल ली है। ये देखिए, मैंने अदरक का छोटा सा टुकड़ा काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। लहसुन मैंने ली है 8-10 कलियाँ, ये भी हम इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च ले लेंगे हम 4, अजवाइन 1/2 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, नमक हम स्वाद के अनुसार ले लेंगे, हरी धनिया ले लेंगे हम, इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा हम पानी ले लेंगे 1/2 गिलास। देखिए, दाल को हमने मिक्सी में पीस लिए हैं, हमें इस तरह से ही बनाना है इसके पेस्ट को, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। ये देखिए, और हम एक बाउल में दाल की पीठी को हम निकाल लेंगे। दाल को देखिए, मैंने बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब इसमें मैं धनिया डाल दूंगी पिसी हुई 1 टीस्पून, हींग डाल देंगे हम 1 पिंच, रेड चिली डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून, और हम धनिया डाल देंगे इसमें कटी हुई। इन्हें हम सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1/2 टीस्पून हम चाट मसाला ले लेंगे, 1/2 टीस्पून हम सौंफ ले लेंगे। तो देखिए, हमारे फर्रे का मिक्सचर तैयार हो गया है। देखिए, मैंने एक बाउल ले लिया है, अब इसमें मैं चावल का आटा ले लूँगी 250 ग्राम, नमक हम थोड़ा सा ले देंगे। इसे हमने देखिए मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम गरम पानी डाल करके, खौलता हुआ थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, इसका एक हम सॉफ्ट डो बना लेंगे फर्रे बनाने के लिए। तो देखिए, डो हमारा तैयार हो गया है, हमें इसी तरह से सॉफ्ट डो बनाना है। आप ध्यान से इसको लगाइएगा क्योंकि पानी गर्म है। अब इसे मैं 15-20 मिनट के लिए रख दूंगी रेस्ट करने के लिए। 20 मिनट हो गए हैं, तो हम डो को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा चावल का बहुत अच्छा सा डो हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए, आटा अच्छे से हमारा सेट हो गया चावल का। तब इनकी अब हम छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे। देखिए, मैंने एक पटा ले लिया है, ये देखिए, इसमें पॉलीथीन सीट मैंने बिछा ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और जो मैंने ये आटा बनाया है चावल का, इसकी हम लोइयां बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब इसे हम इस तरह से फैला देंगे। तो देखिए, मैंने अच्छी तरह से चावल के लोई को अच्छी तरह से मैंने पूड़ी की तरह बना लिया है। अब इसमें हम जो मैंने मिक्सचर बनाया है, ये मिक्सचर को हम बीच में इस तरह से हम भर देंगे स्टफिंग। इस तरह से, और अब हम पन्नी की इसको पकड़ के इस तरह से, और इसे ऐसे इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इसे हम इस तरह से दबा देंगे। तो देखिए, हमारे फर्रे कितने अच्छे बने हैं। तो इस तरह से मैं अपने सारे फर्रे बना लूँगी। ये देखिए, तो देखिए, मैंने अपने सारे फर्रे बना लिए हैं,
और मैंने प्लेट में ऑयल लगा लिया है। तब उसके बाद मैंने इसमें फर्रे सेट किए हैं। देखिए मैंने एक स्टीमर लिया है, मैं फर्रे को इसी में स्टीम करूँगी। तो इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल देती हूँ और इसे हम ढक देंगे स्टीम होने के लिए। तो देखिए पानी हमारा गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम अपने फर्रे इस तरह से सेट कर देंगे प्लेट, और अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढक देंगे स्टीम होने के लिए। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने फर्रे को चेक करते हैं कि बने कि नहीं। देखिए कितने सुंदर हमारे फर्रे बने हैं, ये देखिए। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं, ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। तो हम तड़का बना लेंगे। तो मैंने 1/2 टीस्पून राई ली है, 1/2 टीस्पून मैंने तेल लिया है, हींग ली है मैंने 1/2 टीस्पून। देखिए तड़का हमारा तैयार हो गया है। मैंने हींग ली है, राई ली है, तेल ली है, हरी मिर्च ली है, मीठी नीम ली है, इसका मैंने तड़का बना लिया है। देखिए मैंने प्लेटिंग कर ली है, मैंने फर्रे को प्लेट में मैंने सेट कर लिया है। अब इसमें हम तड़का लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं तड़का इसमें लगा दूंगी। तो हमारे फर्रे बनके तैयार है गाइस, बनके तैयार है हमारे, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी हमारे चना दाल राइस फर्रे। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूं। तो मैं मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।